नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, अच्छी खुशखबरी आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से निकल के टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई है और बिल्कुल बम्पर भर्ती है। 3,864 कुल पद हैं। आयु सीमा है इसके लिए 18 से 42 साल और कैटेगरी वाइज इसमें भी छूट दी जाएगी। और पे स्केल है 47,600 से 1,51,100 और इसमें आपको करना है ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन का जो प्रोसेस है वो 20 अगस्त 2019 से प्रारंभ हो जाएगा और ये बिल्कुल स्थायी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, परमानेंट शिक्षकों की भर्ती है। तो इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया था, बिल्कुल छोटा सा वीडियो था, सारी इन्फॉर्मेशन मैं उसमें नहीं दे पाया था। तो इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। जरा सा लंबा ये वीडियो हो सकता है, पर जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके कमेंट्स आई हैं पिछले वीडियो में, तो उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2019। डेट ऑफ पब्लिकेशन है 7 अगस्त 2019, कल शाम को ये जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगा 20 अगस्त 2019 से, जो कि चलेगा 5 सितंबर 2019 रात्रि 11:59 तक। और फीस डिपॉजिट कर सकते हैं आप 9 सितंबर 2019 तक। अब इसके बाद बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसमें जो टोटल वैकेंसियां हैं वो है 3,864। पीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है और ग्रुप बी की है ये पोस्ट। और ये देखिए, ये है लिंक जहां पे जाके आपको इन पदों के लिए करना है अप्लाई, जो कि 20 अगस्त 2019 को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब चलते हैं वैकेंसियों की डिटेल देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह देखेंगे। एज है 18 से 42 साल, पे स्केल है 47,600 से 1,51,100। कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ पोस्ट एक्सेप्ट मेवात, कैटेगरी 1 to 12, मेवात को छोड़ के बाकी ऑल ओवर हरियाणा के लिए ये वैकेंसियों के डिटेल है। सबसे पहले कैटेगरी नंबर एक है, बायोलॉजी की है, पीजीटी बायोलॉजी। टोटल वैकेंसियां है 127, अनरिजर्व्ड की 65 है, एससी की 24, बीसीए 12, बीसीबी 6, ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसियां हैं। इसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री की टोटल वैकेंसियां 131, अनरिजर्व्ड 66, एससी 25, बीसीए 12, बीसीबी 6 और ईडब्ल्यूएस 13। कॉमर्स की 304 पोस्ट है, 153 अनरिजर्व्ड है, 58 एससी, 28 बीसीए, 14 बीसीबी, 30 ईडब्ल्यूएस। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसियां हैं सबसे ज्यादा 1,373, अनरिजर्व्ड है 676, एससी के लिए है 261, बीसीए के लिए है 130, बीसीबी के लिए है 62 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 137। इंग्लिश की वैकेंसी है 530, अनरिजर्व्ड है 262, बाकी कैटेगरी वाइज आप यहां देख सकते हैं इनको। फाइन आर्ट्स के लिए वैकेंसियां 35, हिंदी की 194, हिस्ट्री 329, मैथ्स के लिए 522, म्यूजिक के लिए 35, फिजिकल एजुकेशन के लिए 241, उर्दू के लिए 6। तो ये है वैकेंसियों की डिटेल और जो टोटल वैकेंसियां हैं 3,827 टोटल वैकेंसियां इसमें हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये तो कैटेगरी वाइज यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है, बाकी इन सभी की कॉमन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है जो बिल्कुल ऊपर दे रखी है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है एसेंशियल कॉमन टू ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, जो कि सभी कैटेगरी की पोस्ट के लिए कॉमन है और बाकी अलग से दे रखी है सब्जेक्ट वाइज, वो भी हम देखेंगे। तो कॉमन क्या है, हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर, हिंदी या संस्कृत में से आपने एक सब्जेक्ट 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी एक कक्षा में जरूर से जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए और उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट ऑफ कंसर्न्ड सब्जेक्ट। आपका एचटेट क्लियर होना भी आवश्यक है। आपको पता होगा हरियाणा में पीजीटी के लिए एचटेट कंडक्ट कराया जाता है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्लियर होना भी आवश्यक है। और उसी के साथ साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी थ्री एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एज द केस मे बी। तो दोस्तों, आपके कम से कम एवरेज 50% अंक आपके होने चाहिए, कम से कम इनमें से 3 एग्जामिनेशन के अगर एवरेज कैलकुलेट किए जाए, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ये लागू नहीं होता, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास कम से कम 55% अंक होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में, और बाकी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक आपके होने ही होने चाहिए।
अब चलते हैं बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अभी मैंने आपको बताई वो तो कॉमन थी सभी के लिए, तो इसमें आपने देखा होगा कि सीटेट कहीं भी मेंशन नहीं है, तो सीटेट वाले आवेदन नहीं कर सकते, वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनका एचटेट क्लियर है, तो आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी कोई कंडीशन नहीं है कि हरियाणा से बाहर के आवेदन नहीं कर सकते, हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं अगर उनके पास मिनिमम जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो, अगर नहीं है तो चाहे वो कैंडिडेट हरियाणा का ही क्यों ना हो वो आवेदन नहीं कर सकता अगर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है तो। अब देख लेते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग, सबसे पहले है पीजीटी बायोलॉजी की, तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेंट हैज स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल एंड बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी किसमें होनी चाहिए ये यहाँ दे दिया गया है, और उसी के साथ साथ बीएड होना भी आपका है आवश्यक। अगली पोस्ट है पीजीटी केमिस्ट्री की, एमएससी केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में 50% अंकों के साथ और बीएड की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। पीजीटी कॉमर्स के लिए एमकॉम होना चाहिए अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनल फाइनेंस अकाउंटिंग में से मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है। उसके बाद है अगली कैटेगरी है 1373 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर, एमसीए रेगुलर 3 ईयर्स, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी रेगुलर कोर्स विद 55% मार्क्स एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ बीएड की आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। अगली वैकेंसी है पीजीटी इंग्लिश की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमए इंग्लिश विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 35 पोस्ट है फाइन आर्ट्स की, एमए फाइन आर्ट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। पीजीटी हिंदी के लिए एमए हिंदी 50% अंकों के साथ और बीएड। पीजीटी हिस्ट्री के लिए एमए हिस्ट्री 50% अंकों के साथ और बीएड। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एमए मैथमेटिक्स में या एमएससी मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में 50% अंकों के साथ और बीएड। टीजीटी म्यूजिक के लिए एमए म्यूजिक विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एमए फिजिकल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी उर्दू के लिए एमए उर्दू विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद अगली वैकेंसियां हैं मेवात कैडर के लिए, कंप्यूटर साइंस की 37 पोस्ट हैं यहाँ, तो इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स, एमसीए रेगुलर 3 ईयर कोर्स, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी रेगुलर कोर्स विद 55% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद नोट दे रखा है जो सभी पोस्टों पे लागू होता है, 5% की छूट मिल जाएगी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, और उसके बाद 33% पोस्ट है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है जो कि स्टेट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है या तो वो मान्य होगा या फिर कोई भी डिग्री डिप्लोमा जो कि मान्यता प्राप्त है हरियाणा गवर्नमेंट से वही लागू होगा। आयु में छूट है, अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट है एससी और बीसीए बीसीबी कैंडिडेट्स को जो कि हरियाणा के स्थायी निवासी हो। इसके बाद एप्लीकेशन फीस है, जनरल मेल फीमेल के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है, फीमेल अगर हरियाणा की निवासी है तो 125 रुपए फीस है, एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हरियाणा स्टेट के लिए मेल है तो 125 रुपए और फीमेल है तो 75 रुपए फीस है। पीडब्ल्यूडीज और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब दे रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर, 90 नंबर का तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा और 10 नंबर आपके होंगे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और जो 90 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें 75% तो आएगा जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्ट और रेलिवेंट सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल। और 25% जो वेटेज होगी वो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट और कल्चर ऑफ हरियाणा की होगी। तो मान लीजिए 100 नंबर का आपका एग्जाम आएगा तो उसमें 75 नंबर के तो ये ए सेक्शन आएगा और 25 नंबर का सेक्शन बी आएगा।
तो ठीक है दोस्तों, ये अपडेट आई है। बाकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अब बात करते हैं आपकी जो मेन मेन क्वेरीज हैं। मेन सबसे मेन क्वेरी आती है, क्या सीटेट वाले इनके लिए आवेदन कर सकते हैं? तो सीटेट वाले इनके लिए आवेदन नहीं कर सकते, सिर्फ एचटेट वाले ही आवेदन कर सकते हैं। दूसरी, क्या हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अगर असेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी यहाँ दी गई है वो फुलफिल करते हैं तो। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी इंफॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। बाकी अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी उस क्वेरी का सॉल्यूशन जरूर से जरूर दिया जाएगा कमेंट के माध्यम से ही। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।